क्या आप जानते हैं कि जिस ईमेल के जरिए इन्फॉर्मेशन एक इनबॉक्स से दूसरे इनबॉक्स तक चुटकियों में ट्रांसफर हो जाती है, उसी ईमेल के जरिए मार्केटिंग भी की जा सकती है। और सबसे पहला मार्केटिंग ईमेल 1978 यानी कि 1978 में भेजा गया था, और पता है उसका रिजल्ट क्या रहा? $13 मिलियन की सेल। हाँ, ये चौंकाने वाला फैक्ट तो जरूर है, लेकिन तभी से ईमेल को मार्केटिंग के एक इफेक्टिव ऑप्शन की तरह यूज किया जाने लगा। सोशल मीडिया के इस टाइम में ऐसा भी माना जाता रहा है कि ईमेल मार्केटिंग अब डेड हो चुकी है, यानी अब इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये केवल एक मिथ है? इस सवाल के जवाब के साथ साथ इस वीडियो में आपको ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स, इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग टिप्स और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करने के तरीके जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है। ईमेल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स को ईमेल भेजकर उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप डेवलप की जाती है और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन करके अपने ब्रांड की सेल बढ़ाई जाती है। इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग वही है जो प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके और पहली बार खरीदारी करने वाले कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जोड़ सके। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ऐसे लोगों से है जो अभी तक आपके कस्टमर तो नहीं बने हैं, लेकिन उनके कस्टमर बनने के चांसेस जरूर है क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स और ऑफर्स को पसंद करते हैं। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ईमेल मार्केटिंग एक बेहतरीन ऑप्शन देता है। खासकर स्मॉल बिजनेसेस के लिए ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके जरिए आप अपना रेवेन्यू आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। इसके जरिए आप बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपनी कंपनी की वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस की और जानते हैं कि क्या वाकई में ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मिथ है जिस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई हो, लेकिन आज भी लोगों को अपने इनबॉक्स में मेल रिसीव करना पसंद आता है। कस्टमर्स तक पहुंच बनाने में ईमेल मार्केटिंग आज भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वेज में शामिल है। आप खुद ही बताइए कि आज जब अप्रोक्स 94% इंटरनेट यूजर्स ईमेल यूज करते हैं तो ईमेल के जरिए मार्केटिंग करना कितना आसान होगा। और फिर इससे क्या खास फर्क पड़ेगा कि इंटरनेट यूजर्स सोशल मीडिया पर है या नहीं? न्यू कस्टमर्स बनाने के लिए फेसबुक और ट्विटर के कंपैरिजन में ईमेल 40 टाइम्स मोर इफेक्टिव साबित होता है। अब तो आप इसकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। पूरी दुनिया में करीब 3.9 बिलियन ईमेल यूजर्स हैं, यानी ईमेल अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए परफेक्ट वे है। ईमेल मार्केटिंग के आंकड़े देखें तो 86% प्रोफेशनल्स के लिए ईमेल प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल है। 2/3 कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ईमेल मार्केटिंग मैसेज के बाद डायरेक्ट परचेसिंग करते हैं। 90% से भी ज्यादा कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रोज अपना मेल चेक करते हैं। ई कॉमर्स में देखें तो 86% कंज्यूमर्स चाहते हैं कि उन्हें अपने सब्सक्राइब्ड ब्रांड से महीने में कम से कम एक बार प्रमोशनल ईमेल रिसीव हो। चलिए अब ये तो पता चल गया कि ईमेल मार्केटिंग डेड नहीं है, बल्कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है मार्केटिंग का। अब आगे चलते हैं और ईमेल मार्केटिंग से होने वाले बेनिफिट्स को थोड़ा करीब से जानते हैं। ईमेल मार्केटिंग के जरिए बहुत सारी ऑडियंस तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकते हैं, अपने करंट कस्टमर्स के साथ अपने ब्रांड का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने पुराने कस्टमर्स के साथ भी उनके इनबॉक्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं और उन्हें फिर से अपने ब्रांड के साथ जोड़ सकते हैं। इसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपना ROI ट्रैक कर सकेंगे। इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि ईमेल किसने ओपन किया, कौन ईमेल के थ्रू वेबसाइट पर क्लिक कर रहा है और भी बहुत कुछ। ये ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। इसके जरिए आप अपने मार्केटिंग स्पेंड और बजट को जस्टिफाई करते हैं जो ऑन गोइंग कैंपेन्स और फ्यूचर कैंपेन्स में यूज होते हैं। इस प्रोसेस में आप राइट ऑडियंस तक ही पहुँचते हैं क्योंकि आप अपने आइडियल कंज्यूमर को ही टारगेट करते हैं और उनकी परमिशन लेकर के ही उन्हें मेल्स भेजा करते हैं। ये तरीका ईमेल मार्केटिंग को सबसे सस्ती मार्केटिंग रणनीतियों में शामिल करता है। अब सवाल ये है कि ईमेल मार्केटिंग को कब यूज करना चाहिए? तो जान लीजिए कि ईमेल मार्केटिंग को यूज करिए रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए,
ब्रांड अवेयरनेस बूस्ट करने के लिए, अपना कंटेंट प्रमोट करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग से अर्निंग करने के लिए क्या करना होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने में इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप ऐसे लोगों के लिए एफिलिएट बन सकते हैं जिनका बिजनेस हो। ऐसे में आपको उस कंपनी से कमीशन मिलेगा। प्रीमियम या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सेल करके भी आप ईमेल मार्केटिंग से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक लाइफ कोच है और आपका मेन प्रोडक्ट ऑनलाइन मंथली मेंबरशिप है, तो आप इसे ईमेल मार्केटिंग के जरिए प्रमोट कर सकते हैं और मेंबरशिप प्लान के जरिए अर्निंग भी कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के बारे में इतना सब जानने के बाद अब फटाफट उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो ईमेल मार्केटिंग करने का तरीका बताएगा। इसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। हर दिन आपके कस्टमर्स के इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। ऐसे में अगर आप स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं करेंगे तो आपका ईमेल उस भीड़ में कहीं गुम हो जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि आप जितने भी लोगों को मेल करें उनमें से ज्यादातर लोग मेल को ओपन करें। इसके लिए आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला है, अपनी ऑडियंस का पता लगाइए। सबसे पहले उन लोगों की पहचान कीजिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। आपकी स्ट्रेटेजी में ये पॉइंट इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स और ऑडियंस क्या चाहते हैं। इसी के बेस पर आपका ईमेल कैंपेन शुरू होना चाहिए। दूसरा है, अपने गोल सेट कीजिए। आपको इस ईमेल कैंपेन से क्या अचीव करना है, आपका गोल क्या है, इसे तय कीजिए और इसके लिए थोड़ा रिसर्च भी कीजिए। पता लगाइए कि आपकी इंडस्ट्री में एवरेज ईमेल स्टेटस कितना है और इन आंकड़ों को अपने गोल्स तक पहुंचने में बेंचमार्क्स की तरह यूज करें। तीसरा है, ईमेल को इस तरह तैयार कीजिए कि लोग साइन अप करना चाहे। सही लोगों तक आपका ईमेल पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ईमेल की लिस्ट हो। ये ईमेल लिस्ट ऐसे यूजर्स का ग्रुप होती है जो आपको रेलेवेंट कंटेंट सेंड करने की परमिशन दे चुके होते हैं और आपके पास उनकी ईमेल आईडी होते हैं। अगर इस लिस्ट में आपके पास शुरू में थोड़े ही नाम हो तो भी निराश ना हो, क्योंकि इस लिस्ट को बढ़ाने के कुछ इफेक्टिव तरीके हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। नंबर 4 पर है, सही ईमेल कैंपेन टाइप चूज कीजिए। ईमेल कैंपेन्स बहुत तरह के होते हैं और इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन तब तक ये जान लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा टाइप चुनना चाहिए। क्या आपको वीकली न्यूज़लेटर सेंड करना चाहिए या न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट सेंड करनी चाहिए या कोई और टाइप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 5 पर है, एक स्केड्यूल बनाइए। आपके पास भले ही ईमेल लिस्ट हो, लेकिन आपके पास एक स्केड्यूल भी होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म किया करें। ऐसा करने से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और आपकी टारगेट ऑडियंस आपको भूल नहीं पाएगी। नंबर 6 पर है कि अपने रिजल्ट्स मेजर करिए। मार्केटर के तौर पर आपको अपनी हर एक्टिविटी को मेजर करना होता है और अगर आप ईमेल्स में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस को भी मेजर करते जाएंगे तो आपको बड़े रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ लेने के बाद अब आता है एक चैलेंजिंग टास्क कि अपनी ईमेल लिस्ट को कैसे तैयार करें। तो इसके लिए आपको 2 इम्पोर्टेंट काम करने होंगे। लीड मैग्नेट का यूज करना होगा और अपनी मार्केटिंग में फ्यूचर प्लान शामिल रखना होगा। ये सब क्या है और कैसे होगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लीड मैग्नेट्स को यूज करिए। लीड मैग्नेट्स ऐसी मार्केटिंग टर्म है जो उस स्ट्रेटेजी के लिए यूज होती है जो आपके प्रोस्पेक्ट्स को आपकी ईमेल लिस्ट की तरफ अट्रैक्ट करे और वो आपको अपना ईमेल एड्रेस देकर आपसे जुड़ना चाहे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने को लेकर के काफी ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। ऐसे में जब तक आप कुछ स्पेशल और वैल्यूबल उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपके चांसेस कम ही बने रहेंगे। यानी जब तक आप लोगों को उनके फायदे का कुछ खास और फ्री ऑप्शन नहीं देंगे तो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे और क्यों वो आपको अपनी ईमेल आईडी देंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या आप यूं ही किसी भी ब्रांड से जुड़ जाते हैं और उसे अपनी डिटेल देकर कहते हैं कि मुझे मेल करते रहो। नहीं ना, बस बिल्कुल आप ही की तरह होता है कस्टमर। इसीलिए जब कभी आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम फील करें तो खुद को कस्टमर मान लीजिए और फिर पता लगाइए कि एक कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के तौर पर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम को तुरंत आप दूर कीजिए और अपने कस्टमर्स के लिए बढ़िया ऑफर्स के साथ फिर से तैयार हो जाइए मार्केटिंग के लिए। अच्छा बताइए, अगर आपको किसी सर्वे का हिस्सा बनना हो जो आपके लिए यूजफुल रहे तो आप उसका हिस्सा बनेंगे ना?
और अगर कोई ब्रांड आपको ईमेल पर फ्री में ईबुक ऑफर कर रहा हो तो भी आप उस मेल को ओपन करके ईबुक पढ़ लेंगे ना। इसी तरह जब ईमेल मार्केटिंग के लिए लोगों को खुद से जोड़ना होता है तो उन्हें कुछ ऑफर करना होता है जो शुरू में फ्री भी हो सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट ऑडियंस आपसे जुड़ती जाए। उसके बाद जब अपने कस्टमर्स के बीच आपका फेथ डेवलप हो जाए तब आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कस्टमर्स उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदना शुरू भी कर देंगे। इस टाइम आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म गुड रिलेशन रखना चाहते हैं तो ऐसे ब्रांड और प्रोडक्ट्स ही सजेस्ट करें जो आपके कस्टमर को भी फायदा ही पहुंचाए। तभी आपका कस्टमर हमेशा के लिए आपसे जुड़ा रहेगा और आपको होने वाली अर्निंग भी बढ़ेगी, साथ ही अपने कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशन भी स्ट्रांग बना रहेगा जो एक हेल्दी बिजनेस की डिमांड है। आप अपने कस्टमर्स को फ्री में ईबुक के अलावा कोई भी कोर्स ऑफर कर सकते हैं या फिर उन्हें अपने फ्री वेबिनार में इनवाइट भी कर सकते हैं। मेंबरशिप्स और वर्कशॉप्स भी इसी तरह के ऑप्शंस हैं। ये ईबुक, वेबिनार, कोर्स वगैरह लीड मैग्नेट ही तो है जो आपके कस्टमर्स को आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये लीड मैग्नेट्स डिजिटल फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे PDF, वेब पेज, वीडियो वगैरह, ताकि आपकी नई लीड इसे आसानी से कंज्यूम कर सके। दूसरा पॉइंट है कि आपके ऑफर में फ्यूचर का कॉन्सेप्ट शामिल होना चाहिए। आपकी ईमेल लिस्ट का पर्पस आपके सब्सक्राइबर्स को पेड ऑफर तक पहुंचाना होता है। इसके लिए आपको फ्री कंटेंट के जरिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू डेमोंस्ट्रेट करनी होगी। इस तरह इन दो पॉइंट्स की मदद से आप नए कस्टमर्स बना सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो ये है कि अपनी ईमेल लिस्ट को बढ़ाए कैसे। तो अपनी ईमेल लिस्ट को बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया की इस तरीके से मदद ले सकते हैं। अपने सोशल फॉलोअर्स को एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो आपकी ईमेल लिस्ट में शामिल होना चाहे। फेसबुक से ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने के लिए आप अपने ईमेल सॉफ्टवेयर को फेसबुक से इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपका पेज विजिट करने आए वो आपकी ईमेल अपडेट्स लेने के लिए आसानी से सब्सक्राइब कर सके। ट्विटर पर अपने प्रोफाइल के टॉप पर भी आप एक ट्वीट पिन कर सकते हैं जिसमें लिखा हो साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर। तो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आप लिंक्डइन और फेसबुक एड फॉर्मेट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें आप अपने यूट्यूब चैनल की मदद भी ले सकते हैं और अंदर इंडस्ट्री ब्लॉग्स में गेस्ट राइटिंग करके भी नई ऑडियंस को साइन अप के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके जरिए अपनी ईमेल लिस्ट बढ़ाने में भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इससे आपको जो सब्सक्राइबर्स और आपके बिजनेस को जो कस्टमर्स मिलेंगे उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहना तय है, क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस ही है और आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड रहने के साथ साथ वो आप पर भी ट्रस्ट करती है। इसीलिए इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और भूलकर भी ईमेल लिस्ट खरीदने की ना सोचे। ये भले ही क्विक एंड इजी लगता हो लेकिन ये इलीगल भी है और आपके लिए उतना यूजफुल भी साबित नहीं हो सकता जितने आपके अपने एफर्ट से बनाई हुई ईमेल लिस्ट होगी। अब नेक्स्ट चैलेंज पर चलते हैं जो कहता है कि मार्केटिंग ईमेल कैसे सेंड करें। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। नंबर वन पर है एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस चूज कीजिए, जैसे कि ड्रिप, कन्वर्ट किट, अवेबर, गेट रिस्पॉन्स और मेल चिम्प। दूसरा है इफेक्टिव ईमेल तैयार कीजिए। आप ईमेल मार्केटिंग क्यों यूज कर रहे हैं? अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, राइट? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका मेल जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही ओपन किया जाएगा, और अगर इसके अंदर लिखा कंटेंट इम्प्रेसिव होगा तभी इस ईमेल में मेंशन लिंक पर क्लिक करके लोग आपके ब्रांड तक पहुंच पाएंगे। और आप चाहते हैं कि इन ईमेल्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड लिंक तक पहुंचे, तो उस पर क्लिक करें और आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से जुड़े। ऐसे में ईमेल में आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी ईमेल की कॉपी एक ही टॉपिक पर स्टिक होनी चाहिए और इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस हो जाए। ये कॉपी ईमेल में लिखे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको मेल में इमेज यूज करने की जरूरत लग रही है तो ऐसी इमेजेस को यूज कीजिए जो हर डिवाइस पर देखी जा सके, प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो और आई कैचिंग भी। जैसे स्विगी के मेल में आपको चीजी बर्गर की इमेज दिखाई दे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, राइट? और आपका मन जल्दी से चीज बर्गर ऑर्डर करने का हो जाएगा और आप तुरंत ऑर्डर नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इसी के साथ आपको ईमेल की सब्जेक्ट लाइन का भी ध्यान रखना है, ये एकदम क्लियर और इतनी इन्फ्लुएंसिव हो कि कस्टमर उसे पढ़कर तुरंत एक्शन लेना चाहे, यानी आपके लिंक तक पहुंचकर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहे। ये सब्जेक्ट लाइन वो फर्स्ट टेक्स्ट होता है जो सेंडर नेम के बाद लिखा होता है,
इसका शॉर्ट, इन्फॉर्मेटिव और कैची होना बहुत जरूरी है। आपके ईमेल में रेलेवेंट कॉल टू एक्शन शामिल होना चाहिए, जैसे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग इस तरह की कॉल टू एक्शन, शॉप आर फॉल कलेक्शन, शॉप नाउ गेट 50% ऑफ, ऑर्डर नाउ, डाउनलोड द ई बुक, गेट फ्री शिपिंग, कीप रीडिंग एंड मेनी मोर। आपके ईमेल करने का टाइम फिक्स होना चाहिए और ज्यादातर सुबह का टाइम इसके लिए फेवरेबल रहता है। 55% ईमेल्स फोन में ओपन किए जाते हैं, इसीलिए आपका ईमेल हर डिवाइस के लिए सूटेबल होना चाहिए, खासकर के स्मार्टफोन्स के लिए। आपके ईमेल में पर्सनल फील होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जैसे आप अपने किसी दोस्त को मेल कर रहे हैं। ईमेल को सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए। सेगमेंटेशन से आपकी बड़ी सी ईमेल लिस्ट ऐसी सब कैटेगरीज में ब्रेक हो जाती है जिसमें आपके सब्सक्राइबर्स उनके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बांट दिए जाते हैं, और आप अपने सब्सक्राइबर्स के अलग अलग सब ग्रुप्स की डिमांड और इंटरेस्ट के बेस पर उन्हें ऑफर्स ईमेल कर सकते हैं। इससे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप इन लेवल्स पर अपनी ईमेल लिस्ट के सेगमेंट तैयार कर सकते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, लाइफ साइकिल स्टेज, अवेयरनेस कंसिडरेशन डिसीजन स्टेज, इंडस्ट्री, प्रीवियस एंगेजमेंट विद योर ब्रांड, लैंग्वेज एंड जॉब टाइटल। और खास बात तो ये है कि आप किसी भी तरह से अपनी लिस्ट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। बस हर सब ग्रुप को मेल करते टाइम ये ध्यान रखें कि आपका ईमेल एक्सक्लूसिव हो, जो उन्हें अट्रैक्ट करे और कस्टमर बनने के लिए मोटिवेट भी करे। अपनी ईमेल मार्केटिंग में ऑटो रिस्पॉन्डर्स का यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हर एक इंडिविजुअल को ईमेल नहीं करना होगा, बल्कि एक ऑटो रिस्पॉन्डर आपके बनाए ग्रुप को वो मेल सेंड कर देगा। ये आपके लिए कितना वैल्यूएबल रहेगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बाकी ईमेल्स के कंपैरिजन में ऑटोमेटेड ईमेल्स की क्लिक रेट्स 152% हायर होती है। ईमेल मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना है ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन ईमेल मार्केटिंग करते टाइम क्या नहीं करना है एक नजर इस पर भी डालते हैं। ईमेल कैंपेन्स के जरिए ओवर प्रमोशन करने से आपको बचना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर आपका ईमेल कस्टमर या सब्सक्राइबर के पास जाता रहेगा तो वो इरिटेट हो सकता है और वो उसे ब्लॉक भी कर सकता है। एक सब्सक्राइबर को सेम ईमेल बार बार सेंड ना करें। अपने ईमेल में केवल इमेज ना सेंड कीजिए, बल्कि साथ में रेलेवेंट कॉन्टेंट भी एड कीजिए। अपने सब्सक्राइबर्स की ईमेल एड्रेस सेल करने की भूल बिल्कुल ना करें। अनसब्सक्राइब्ड कॉन्टेक्ट्स पर मेल सेंड ना करें। बिना क्लियर विजन के ईमेल सेंड ना करें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपने ईमेल में बहुत ज्यादा पंक्चुएशंस और इमेजेस का यूज ना करें। मिसलीडिंग मेल भेजने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, और अपने वीआईपी कस्टमर्स को रेगुलर कस्टमर्स की तरह ट्रीट मत कीजिए। तो इसी के साथ अब आगे आपको एग्जाम्पल्स के जरिए हम बताते हैं 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में। पहला है द वेलकम ईमेल सीरीज। जैसे आइकिया ब्रांड ने अपने मेल में टाइप ऑफ वेलकम ऑफर लिखा है, तो इसका मतलब उसके मेल की शुरुआत में ये बताया गया है कि ईमेल के अंदर आपके लिए एक ऑफर है। और एंटरप्रेन्योर केटी स्पेड अपने ईमेल में टाइप ऑफ वेलकम थैंक यू यूज करती है, तो इसका मतलब आपको थैंक यू कहकर आपके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इसी तरह कई कंपनी टाइप ऑफ वेलकम वीडियो यूज करती है, तो इसका मतलब ईमेल में आपके लिए क्विक वीडियो है। ऐसे में कस्टमर अपना ईमेल जरूर ओपन करेगा, और यही तो चाहिए होता है। नंबर दो पर है द स्टैंडर्ड प्रमोशनल कैंपेन। जैसे ओकली ब्रांड ने आपको जो ईमेल भेजा है उसमें ये लिखा है, ओकली सीजनल प्रमोशन प्लस अपॉर्चुनिटीज टू सेव मनी। और नीमन मार्कस ने अपने मेल में मेंशन किया, नीमन मार्कस न्यू इन्वेंट्री लॉन्च, तो ईमेल में प्रेजेंट की गई अट्रैक्टिव लाइंस प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा होगी। नंबर तीन पर है द सीजनल कैंपेन। एक क्लोथिंग ब्रांड ने अपने ईमेल में ये लिखा, फाइंड द परफेक्ट क्रिसमस ड्रेस, यूज आवर ड्रेस गाइड टू फाइंड द परफेक्ट मॉडल एंड स्टाइल फॉर योर क्रिसमस। तो हो गया ना ये सीजनल कैंपेन का एग्जांपल। आगे है नंबर चार पर द ट्रिगर्ड ईमेल सीरीज। इसके लिए एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, जिसने अपने ईमेल में ये डिटेल मेंशन की, इट्स बैक, दैट ब्यूटी यू हैव बीन लुकिंग एट इज बैक इन स्टॉक। तो ये हो गया ना ट्रिगर्ड ईमेल। इसी के साथ आगे नंबर पांच पर है द पोस्ट परचेज ड्रिप। अमेज़न का शिपिंग कॉन्फर्मेशन ईमेल इसका एग्जांपल है, हाय रोहन योर पैकेज विल अराइव सैटरडे दिसंबर 12। और आगे नंबर सिक्स पर है द कनेक्ट वाया सोशल कैंपेन। इसका एग्जांपल है एप्पल शॉर्ट ऑन आईफोन कैंपेन, जिसमें यूजर्स ने अपने आईफोन से पिक्चर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट की
और इससे एप्पल की ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। आगे नंबर 7 पर है द न्यूज़लेटर। इसके जरिए अपने ब्रांड की न्यू प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। सीजनल प्रमोशनल अनाउंस किए जाते हैं और ये कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करने में हेल्पफुल रहते हैं। जैसे SXSW का न्यूज़लेटर जिसमें लिखा हो डिस्काउंट डेडलाइन दिस फ्राइडे ऑन द इंटरैक्टिव इवेंट ऑफ द ईयर रजिस्टर नाउ। और आगे बारी है नंबर 8 की जो है दी एबेंडेंट कार्ट सीरीज। जैसे अमेजोन का ईमेल जिसमें लिखा हो वी हैव रिकमेंडेशंस फॉर यू। और अब आगे नंबर 9 पर है द री एंगेजमेंट कैंपेन। जैसे पाथ फोटो एडिटिंग ऐप की ईमेल में मेंशन ये लाइंस हेलो देयर लॉन्ग टाइम नो सी वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑन पाथ नाउ। तो ये लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में भी बात हो गई। तो दोस्तों ये था ईमेल मार्केटिंग पर वीडियो जिसमें हमने आपके साथ ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, साथ ही साथ इसे बाकी सब लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर शेयर कीजिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में अभी काफी सारे वीडियोस आने बाकी है, यानी कि आपके काफी सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में अगले वीडियो का करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए, इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।